हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म की रिकॉर्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और फिर सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी शेयर करूँगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज़ होंगी और फिर किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूंगा। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म द्वारा निर्मित है और रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में कि एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का
एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें मूवी के मार्केटिंग के बारे में तो तुझूटा मेमककार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर YouTube पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। इंस्टेंट अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को
बीन चित्रित करेगा। हसली कोरम ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनकी फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें उनके मार्केटिंग के बारे में तो तुझूटा मेमककार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर यूट्यूब पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में थे। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर
2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। इंस्टेंट अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वत्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें मूवी के मार्केटिंग के बारे में तो तुझुटा में मक्कार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर यूट्यूब पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स
द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। इंस्टेंट अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप हो गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें उनके मार्केटिंग के बारे में तो तुझूटा में मक्कार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर YouTube पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा
8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित है। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को एस्ट्राज फिल्म्स के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक
गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें मूवी के मार्केटिंग के बारे में तो तुझूटा मेमककार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर यूट्यूब पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो निकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया।
जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। इंस्टेंट अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें उनके मार्केटिंग के बारे में तो तुझुटा मेमककार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर YouTube पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और
श्रद्धा कपूर जेनिफर झूटी के रूप में हैं। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में हैं। डिंपल कपाडिया और बनी बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। अभी बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाडिया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसली कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें उनके मार्केटिंग के बारे में, तो तुझूटा मेमककार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर YouTube पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में, तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है। लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें मूवी के मार्केटिंग के बारे में तो तू झूठा मैं मक्कार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था।
आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर यूट्यूब पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में
फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें मूवी के मार्केटिंग के बारे में तो तुझूटा में मक्कार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर YouTube पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख
26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। इंस्टेंट अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसली कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें उनके मार्केटिंग के बारे में तो तुझूटा में मक्कार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर YouTube पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म द्वारा निर्मित है और रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण
जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाडिया और बनी बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाडिया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। इंस्टेंट अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें मूवी के मार्केटिंग के बारे में तो तू झूठा मैं मक्कार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर यूट्यूब पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित है। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं।
तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। इंस्टेंट अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था।
कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। अभी बात करूँ मूवी के मार्केटिंग के बारे में तो तुझूटा मेमक्कार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर YouTube पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मेमक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मेमक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में थे। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मेमक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणबीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणबीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। इंस्टेंट अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा।
हसलीन कोरम ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें उनके मार्केटिंग के बारे में, तो तुझूटा मेमककार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर YouTube पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में, तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम
रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वत्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसली कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें मूवी के मार्केटिंग के बारे में तो तुझूटा मेमककार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर यूट्यूब पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है।
और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में थे। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में हैं। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें मूवी के मार्केटिंग के बारे में तो तुझूटा में मक्कार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर YouTube पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा
8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित है। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को एस्ट्राज फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसली कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक
गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें उनके मार्केटिंग के बारे में तो तुझूटा मेमककार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर YouTube पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया
जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाडिया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। इंस्टेंट अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वत्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसली कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें उनके मार्केटिंग के बारे में तो तुझूटा मेमककार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर यूट्यूब पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह पस्सी, डिंपल कपाडिया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और
श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में हैं, वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में हैं। डिंपल कपाडिया और बनी बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। अभी बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाडिया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। इंस्टेंट अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। अभी बात करें मूवी के मार्केटिंग के बारे में, तो तुझूटा मेमक्कार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर YouTube पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्का। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तू झूठी में मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है। लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी। लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी में मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसली कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में कि एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें उनके मार्केटिंग के बारे में तो तुझूटा में मक्कार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था।
आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर YouTube पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। इंस्टेंट अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसली कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में
फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। तो बात करें मूवी के मार्केटिंग के बारे में तो तुझूटा मेमककार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर यूट्यूब पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में थे। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख
26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें उनके कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वत्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें मूवी के मार्केटिंग के बारे में तो तुझुटा मेमककार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर यूट्यूब पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी।
और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाडिया और बनी बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी की कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाडिया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। इंस्टेंट अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसली कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें मूवी के फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप हो गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें मूवी के मार्केटिंग के बारे में तो तुझूटा में मक्कार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर YouTube पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा
अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में थे। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को दिन चित्रित करेगा। हसली कोरम ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में, तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में कि एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का
एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वो बात करें मूवी के मार्केटिंग के बारे में तो तुझूटा मेमककार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर यूट्यूब पर 45 मिलियन बार कर दिया था। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर 2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार यह भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को
बीम चित्रित करेगा। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें मूवी के मार्केटिंग के बारे में तो तुझुटा मेमककार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर YouTube पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तू झूठी मैं मक्कार, जिसे TJMM के रूप में संक्षिप्त किया गया है, लव रंजन द्वारा निर्देशित और राहुल मोदी लव रंजन द्वारा लिखित 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स द्वारा निर्मित है और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर ने अपनी पहली फिल्म में एक साथ काम किया है, जिसमें अनुभव सिंह, पस्सी, डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर प्रमुख सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी और निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, स्पेन और मॉरिशस में बड़े पैमाने पर की गई थी। तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च 2023 को थिएटर में रिलीज के लिए निर्धारित है, जो हाल ही सप्ताह के साथ मेल खाता है। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मिकी मक्कार के रूप में रणवीर कपूर है और श्रद्धा कपूर जेनिफर झूठी के रूप में है। वही अनुभव सिंह बस्सी मक्कार के बेस्ट फ्रेंड के रूप में है। डिंपल कपाड़िया और बोनी कपूर हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो फिल्म को आधिकारिक तौर पर 20 दिसंबर
2019 को एक अनाम रोमांटिक कॉमेडी के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म की पहली रिलीज की तारीख 26 मार्च 2021 को निर्धारित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022 को स्थानांतरित कर दी गई थी। एक बार फिर फिल्मांकन में देरी के कारण रिलीज की तारीख 26 जनवरी 2023 को स्थानांतरित कर दी गई थी। इस प्रकार भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ मेल खा रहा था। अंतिम रिलीज की तारीख तब होली के त्यौहार के साथ 8 मार्च 2023 तय की गई थी। वही बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिससे उनकी पहली परियोजना एक साथ हो गई। डिंपल कपाड़िया और निर्माता बोनी कपूर को रणवीर के माता पिता के रूप में लिया गया था। स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह वस्सी के अभिनय की शुरुआत और अभिनेत्री मोनिका चौधरी की हिंदी फिल्म की शुरुआत को भी चित्रित करेगा। हसलीन कौर ने जनवरी 2023 में फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। वही बात करें उनके फिल्मिंग के बारे में तो फिल्मांकन 8 जनवरी 2021 को रणवीर और श्रद्धा के साथ गाजियाबाद में शुरू हुआ। जुलाई 2021 में फिल्म का दूसरा शेड्यूल दिल्ली में शुरू हुआ। तीसरा शेड्यूल अगस्त 2021 में मुंबई में शुरू हुआ था। इसके बाद नवंबर 2021 में दिल्ली में दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। अगला शेड्यूल मार्च 2022 में फिर से मुंबई में शुरू हुआ। अगला शेड्यूल जून 2022 में स्पेन और मॉरिशस में हुआ था। जुलाई 2022 में श्रद्धा कपूर के एक गाने की शूटिंग की जानी थी, लेकिन अंधेरी के चित्रकूट मैदान में फिल्म के सेट पर आग लगने से उत्पादन ठप पड़ गया था। इसमें मनीष देवाशी नामक चालक दल में के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, जबकि प्रकाश विभाग का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद गाने की शूटिंग की गई। फिल्म को अगस्त 2022 में पूरा किया गया था। वही बात करें उनके मार्केटिंग के बारे में तो तुझुटा मेमककार का शीर्षक 14 दिसंबर 2022 को पहले पोस्टर के साथ एक घोषणा वीडियो के साथ जारी किया गया था। आधिकारिक ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। गाने का संगीत वीडियो तेरे प्यार में रिलीज होने के 5 दिनों के भीतर YouTube पर 45 मिलियन पार कर दिया था। वही बात करें उनके थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो यह फिल्म यशराज फिल्म्स द्वारा 8 मार्च 2023 को होली के त्यौहार के मौके पर रिलीज के लिए निर्धारित थी। यह ट्रेलर 23 जनवरी 2023 को यशराज फिल्म्स के YouTube चैनल पर रिलीज किया गया था। वही बात करें उनके होम मीडिया के बारे में तो नाटकीय स्ट्रीमिंग के बाद फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं। तो ये फिल्म अब हमें OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स पर दिखाई देंगी, पर इसकी डेट अभी तक खुलासा नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।